नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। बड़ी खबर में देखते हैं प्रदूषण की 20 खबरें। दिल्ली में प्रदूषण से बुरा हाल, आसमान में छाई गहरी धुंध, एक्यूआई 410 के गंभीर स्तर पर दर्ज। दिल्ली में द्वारका एक्यूआई 486, जहांगीरपुरी में 463 लेवल पर दर्ज हुआ। आईजीआई एयरपोर्ट के पास 480 के गंभीर स्तर पर रिकॉर्ड। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले, केंद्र सरकार के आनंद विहार में स्मॉग टावर का क्या हुआ। दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए सरकार का एक्शन, कई जगहों पर एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव। दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में पानी का छिड़काव, पेड़ों पर पानी की बौछार कर प्रदूषण कम करने की कोशिश। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे की ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा भारी प्रदूषण, विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही। वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली NCR छोड़ रहे हैं लोग, आसपास के पर्यटन स्थलों का कर रहे हैं रुख। दिल्ली में प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक बंद, 6 से 12 के तक स्कूलों के लिए ऑनलाइन विकल्प, शिक्षा मंत्री आतिशी ने दी जानकारी। दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल करने की कोशिश, NDMC सिविक सेंटर के आसपास किया गया पानी का छिड़काव। दिल्ली में प्रदूषण की दोहरी मार, हवा के साथ पानी के प्रदूषण, कालिंदी कुंज के पास यमुना में जमी सफ़ेद झाग की लेयर। यूपी के गाजियाबाद में बढ़ते प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, रेलवे स्टेशन के आसपास दिखी स्मॉग की लेयर। नोएडा में प्रदूषण से हालात खराब, छाई धुंध, AQI 410 के गंभीर स्तर पर दर्ज किया गया। नोएडा में एयर पोल्यूशन पर बोले अथॉरिटी के CEO, एयर गन और वाटर स्प्रिंकलर कर रहे काम, ग्रैप के नियमों का हो रहा है पलायन। मुरादाबाद में भी एयर क्वालिटी में बड़ी गिरावट, सुबह धुंध की चादर में लिपटा दिखा शहर। कानपुर में भी आसमान में छाई धुंध, IIT कानपुर के पास AQI 350 के खराब स्तर पर दर्ज। हरियाणा के अंबाला में भी प्रदूषण से छाई धुंध, AQI 336 के खराब लेवल पर दर्ज। मुंबई में भी प्रदूषण की मार, आसमान में दिखी धुंध की गहरी परत, AQI 300 के पार। मुंबई में प्रदूषण पर BMC ने जारी की गाइडलाइन, निर्माणधीन साइटों के लिए बनाए रूल, सड़कों पर पानी का छिड़काव। पंजाब में पराली जलाने से बड़े मामले, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा, पिछले 4 दिन में ही 6,500 मामले दर्ज। पंजाब के भटिंडा में पराली जलाने का मामला आया सामने, 7 लोगों पर FIR की जा रही है पहचान।